बॉलीवुड की मेकअप सेलिब्रिटी मंजू डागर ने कमल ताज होटल में ब्यूटीशियन निहारिका कौशल के सौजन्य से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें करीब 50 लड़कियों ने भाग लिया। इस दौरान मंजू डागर व सपना गुप्ता का कार्यशाला में पधारने पर निहारिका कौशल व उनकी पूरी टीम ने उनका स्वागत किया। कार्यशाला के दौरान मंजू डागर ने लड़कियों को 3 दिन तक मेकअप के गुर सिखाए। बॉलीवुड की मेकअप सेलिब्रिटी मंजू डागर ने कमल ताज होटल में ब्यूटीशियन निहारिका कौशल के सौजन्य से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 लड़कियों ने भाग लिया। इस दौरान मंजू डागर व सपना गुप्ता का कार्यशाला में पधारने पर निहारिका कौशल व उनकी पूरी टीम ने उनका स्वागत किया। कार्यशाला के दौरान मंजू डागर ने लड़कियों को 3 दिन तक मेकअप के गुर सिखाए। मंजू डागर ने हिमाचली ब्यूटी को मेकअप के जरिए कैसे 4 चांद लगाए जा सकते हैं, इसे प्रैक्टिकल के तौर पर दिखाया। इसी दौरान मंजू डागर ने प्रतिभागियों को अपने अपने मॉडल को सजाने के लिए सामान दिया, जिसमें शिमला से रमनीश के मेकअप को सबसे बेहतर पाया और प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर रोशी तथा तीसरे स्थान पर भोटा से अंजू वाला रही। मंजू डागर ने प्रतिभागियों के बेहतरीन मेकअप करने वाले को खूब सराहा। इस दौरान मंजू डागर ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंजू डागर ने बताया कि मेकअप और ब्यूटीशियन की दुनिया में लड़कियों के लिए काफी स्कोप है तथा सेलिब्रिटी बनने का भी मौका है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की मेकअप सेलिब्रिटी मंजू डागर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुकी हैं। गत दिनों हरियाणा में बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी, गुड़गांव में अमृता राव व 24 दिसंबर को दिल्ली में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झंगियानी के साथ इवेंट में भाग ले चुकी हैं। इस मौके पर सभी मॉडल्स तथा ब्यूटीशियन निहारिका कौशल और हाल ही में मिस हिमाचल की प्रथम रनर अप बबीता कौशल भी मौजूद रही। कार्यक्रम में वक्त चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।